अगर आप सुबह उठे और आपने देखा आप जुनेद अकरम है तो क्या रिएक्शन होगा? मैं ये बोलूंगा खल्ली वल्ली यार। मैं बोला यार लोग बाइक कैसे उछालते होंगे ना। अब मैंने बोला ये कोई हलवा चीज होगी, मैंने सन्नाटा था, कोई था नहीं, मैंने बाइक स्टार्ट की, रेस दे के रखी और गियर मार दिया तो बाइक कहाँ निकल गई, मैं गिरा। जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी MHM शो। जी हाँ, यू आर वॉचिंग पाकिस्तान फर्स्ट एवर शो फॉर सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज यानी दी MHM शो। बुलाते हैं आज के मेहमान को। जी हाँ, आज के मेहमान ओ माई गॉड है। उन्हें देखकर आप बोलेंगे ओ माई गॉड ये कैसे हो सकता है, लेकिन जी हाँ ये हो सकता है क्योंकि आप भी देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे। तो जी एक ड्रामा है अर्तुरुल, आप सब जानते हैं तुर्की ड्रामा जो कि PTV पर आजकल चल भी रहा है, सीजन 3 सीजन 4 चल रहा है। तो जी उनके जो हीरो एंगन अल्तान, उनसे इनकी शक्ल मिलती है और इन्हें पाकिस्तान का अर्तुरुल भी कहा जाता है। प्लीज वेलकम वन ऑफ माई फेवरेट एंड वेरी काइंड वेरी हम्बल पाकिस्तानी अर्तुरुल मुस्तफा अली। तुर्की से आ गए, वेलकम टू कराची। दूसरी बार गए थे ना? जी ये मेरा सेकंड ट्रिप था। तो कौन सी जगह बेहतरीन लगी यार? इस दफा मैं गया ना तो मुझे एनेगुल जो है वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, ये एक विलेज है, ठीक है, और इस्तांबुल में नहीं, इस्तांबुल में नहीं है, बुर्सा के करीब है, बुर्सा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो वो एक्चुअल रियल लाइफ में तुर्गुत ने उसको फतह किया था उस्मान गाजी की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, ठीक है। बहुत प्यारी जगह है। तो वहाँ पर आप गए, वीडियो भी बनाई थी? जी मैंने वीडियो बनाई थी। अच्छा, अब सवालात का सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। 2018 में आपने किसी ने फेसबुक पे टैग वैग किया था, मजेदार कोई स्टोरी हो रही है कुछ जरा सुना यार? मेरे एक दोस्त ने मुझे जो है ना बताया था कि एक टर्किश एक्टर है और एंगन अल्तान, और तुम्हारी शक्ल उससे बहुत मिलती है। अच्छा, फेसबुक पे टैग वगैरह? फेसबुक पे उसने मुझे जो है ना उसकी पिक्चर में टैग कर दिया ना, मेरी वॉल पे उसने शेयर कर दी थी। सही है। अब मैंने जब देखी ना तो मैंने बोला यार वाकई मतलब मिलती तो है ना शक्ल। सही है। तो ये सीन था, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था इतना ज्यादा कि भाई क्या ड्रामा चल रहा है और क्या सीन है, वो तो सब बाद में पता चला था। फिर जब पाकिस्तान आया ड्रामा आपने देखा तो फिर आपको भी यकीन आ गया कि हाँ यार। हाँ, फिर मैंने जब देखा तो फिर मुझे यकीन आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने सोशल वर्क शुरू कर दिया, तो वो क्या किसी के कहने पे शुरू किया या खुद ही एक क्या था? नहीं, असल में देखें जब ये सिलसिला सारा स्टार्ट हुआ ना, जब एंगन अल्तान वाला जो रिजेम्बलेंस थी, तो उससे कुछ टाइम पहले ही मैंने एक जो है ना एक एक्टिविटी स्टार्ट की थी कि मैं सरप्राइज गिफ्ट की एक एक्टिविटी स्टार्ट की थी, जिसमें मैं मतलब वो दो वीडियोज में कर चुका था उससे पहले, ठीक है। और इसके बाद फिर ये सिलसिला हो गया, तो इसके बाद तो अल्लाह ताला ने बहुत मौका दे दिया कि बड़े लेवल के ऊपर काम करने का, तो अब माशाल्लाह बहुत सारे फंड भी जमा हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफी सारे लोगों के जो है वो काम बन जाते हैं अल्लाह ताला के करम से, और हम इसमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स मिला देते हैं अपने। तो कोई फाउंडेशन या कोई ऐसी चीज बनाने का इरादा है? जी बिल्कुल, मैं कोशिश में लगा हूँ कि हम एक बाकायदा जो है वो ट्रस्ट बना लें, ताकि हम अभी जिस लेवल के ऊपर काम कर पा रहे हैं तो उससे भी ज्यादा लोगों को सर्व करने का मौका मिले। सही, ठीक है। तो अब ये तो हो गई ना 2018-19 के बाद की बात, बचपन में आप क्या थे? मतलब शरारती थे, शायद थे, क्या सीन क्या था? नहीं, शायद नहीं था, मैं बचपन में बहुत शरारती था। अच्छा। हाँ, बचपन में बहुत शरारती था। स्कूल की यार एक बात मुझे याद आ गई, अभी जस्ट आपने पूछा और मुझे याद आ गई। एक मरतबा हुआ क्या था कि मैंने जो है ना बैग अपना शरारतों में मैंने अपना बैग जो है ना किसी चीज़ से फाड़ दिया, ठीक है। अब जब मैं घर गया तो मेरी अम्मी तो बड़ी खतरनाक थी पिटाई के मामले में, पिटाई कर देती थी, अबू नहीं मारते थे, तो जो है ना अम्मी ने देखा तो मैं डर गया। मैंने बोला मैं क्या बोलूँ यार, हरकत तो मेरी है। इसके बाद फिर मैंने अम्मी को बोला कि जो है ना टीचर ने फाड़ दिया है। अब मैंने बल्ली डाल दी सारी टीचर के ऊपर। अब्बू को पता चला, अब्बू गुस्से में, अब्बू मुझे जो है वो सुबह लेके जा रहे थे स्कूल के, बोला मैं छोड़ूंगा नहीं ये, वो कैसे क्या किया। फिर मैंने रास्ते में बोला इससे पहले वहाँ कोई मसला क्रिएट होने वाला मैं बता देता हूँ यार ये मैंने ही फाड़ा। फिर अब्बू को बताया? हाँ, फिर मैंने अब्बू को बता दिया। अब्बू मारते नहीं, अम्मी को फिर भी नहीं बताया? अम्मी को नहीं बताया, अम्मी से तो बड़ी पिटाई होती थी मेरी। अच्छा, कितनी बार? मतलब याद भी नहीं होगा ऐसा? याद भी नहीं। हाँ, असल में बहनों से भी पिटाई होती थी क्योंकि बहन पढ़ाती थी मुझे ना। अच्छा, मैं छोटा था तो सबसे छोटे आप है ना? हाँ, मतलब मैं तीसरे नंबर पे हूँ। तीसरे नंबर पे। तो ये है कि बहनों से ही पिटाई होती थी मेरी और अम्मी से भी बहुत ठीक ठाक पिटाई होती थी, ठीक ठाक पिटाई। वो मोमबत्ती जला के वो कतरे डालते ना ऊपर, वो सीन भी मेरे साथ बहुत होता था।
ओहो सही। उसके बाद फिर आप जब जवानी वाली जो मैंने तस्वीरें देखी हैं कल बैठकर जिम में जाते थे, अब भी जाते हैं, क्या सीन क्या था यार? जब से ये कोरोना का सिलसिला स्टार्ट हुआ है ना, इसके बाद से मैं जिम जो है वो जाना छूट गया मेरा। जब जिम बंद हुए थे ना, इसके बाद से फिर मैं जा ही नहीं सका हूँ। दोबारा इरादा है जाने। आपके जो दोस्त वगैरह हैं, कभी फड्डा वगैरह होता होगा तो मुस्तफ़ा चलो ऐसा ऐसे कभी इतफाक नहीं हुआ ना, मतलब ऐसा कोई सीन नहीं हुआ अभी तक। कभी ऐसा नहीं हुआ। शॉर्ट के लिए बॉडी बिल्डिंग की है। सही है जी। रैपिड फायर राउंड है। मैं आपको तीन कार्ड दूंगा और उनमें से आपको एक कार्ड चूज करेंगे और वही सवाल आपसे होंगे। अच्छा, मतलब सवाल भी आप ही ने डिसाइड करने। अच्छा। मेरा कोई सीन नहीं है। तो जी ये है तीन कार्ड रैपिड फायर राउंड के। इनमें से किसी एक कार्ड के सवाल आपसे किए जाएंगे, आप चूज करें कौन सा कार्ड। चले नीचे वाला उठा लेते हैं। सबसे नीचे वाला कार्ड आपने उठा लिया है, ठीक है। अब इन्होंने ये कार्ड चूज किया है और इसमें जो सवालात होंगे वही मैं इनसे पूछूंगा। तैयार हैं? बिल्कुल। खतरनाक कार्ड उठाया आपने। अच्छा। हाँ, तीन चीजें जो आपको लगता है कि इन लोगों के रूम में मौजूद होंगी। अच्छा, ये तीन चीजें नॉर्मल तीन चीजें नहीं, यूनिक चीजें जो आमतौर पर लोगों के घर पर नहीं होती। एंगेन अल्तान, इनके रूम में तीन ऐसी चीजें, यूनिक चीजें। तीन यूनिक चीजें। अब एंगेन अल्तान जो है वो एक एक्टर है। एक एक्टर के रूम में क्या हो सकता है? एक्टिंग से रिलेटेड अवार्ड्स हो सकते हैं। हो सकते हैं कहीं तलवार लटकाई भी हो। गुड, ओके। और तीसरी चीज क्या हो सकती है? वो जो पाकिस्तानी ने उसको बुलाया था तो उसने जो अंगूठी पहनाई थी मेरे ख्याल में, वो जरूर होगी। आगे बढ़ते हैं जी। इन तीन लोगों ने आपको एक ही दिन दावत पर बुलाया अपने घर पर, इनमें से आप किसके घर जाएंगे? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। किसको मना करेंगे और किसको टोपी करेंगे? अब टोपी का मतलब ये है कि हाँ मैं जाऊंगा लेकिन आप जाएंगे नहीं। सही। एंगेन अल्तान जिन्होंने अर्तुल का कैरेक्टर किया, इसरा बिलजेक जिन्होंने हलीमा का कैरेक्टर किया, और चेंगेज जिन्होंने तुर्गुत का कैरेक्टर किया, इनमें से किसके घर जाएंगे? तो मेरे ख्याल से एंगेन अल्तान के पास चले जाएंगे, ठीक है, और चंगेज को जो है वो टोपी करा देंगे, और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, और इसरा को जो है मना कर देंगे। मना कर देंगे। साफ मना के नहीं जाएंगे। साफ मना कर देंगे। ठीक है जी। अपनी एक बुरी आदत बताएं। गुस्सा आ जाता है ज्यादा। अच्छा, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। अब तो वक्त के साथ कम हो गया लेकिन गुस्सा आ जाता है। जब आता होगा तो बहुत हैवी लेवल का एहसास। ठीक है। एक अच्छी आदत। एक अच्छी आदत, लोगों को सर्व करने का मौका मिलता है, ह्यूमैनिटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिलियन डॉलर्स मिल गए आपको, क्या करेंगे? लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का सोचेंगे, जैसे कोई स्कूलिंग, कोई हॉस्पिटल, कुछ इस तरह का काम करेंगे। आप अपने लिए क्यों नहीं सोचते? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आमतौर पे तो लोग यही सोचते हैं, खुद का गाड़ी, खुद की गाड़ी हो, खुद का बंगला हो। असल में एक्चुअली यही अपने लिए सोचना है, क्योंकि मैंने तो यहाँ रहना नहीं है, मैं चला जाऊँगा, तो ये मैं अपने लिए सोच रहा हूँ एक्चुअली। सही सही। ठीक है। तीन चीज़ें जो आप रोज़ करते हो। तीन चीज़ें मैं रोज़ करता हूँ। सोशल वर्क डेली बेसिस पे हो रहा होता है, उसके लिए टाइम निकालना ज़रूरी है, ठीक है, और अपनी वीडियो एडिट करना, दूसरा काम, तीसरा काम मुश्किल है। पहले जिम जाता था और अब साइकिलिंग स्टार्ट की। साइकिलिंग आप कैसे? अच्छा, साइकिलिंग शुरू कर दी है? हाँ, साइकिलिंग शुरू कर दी है मैंने। वाह। वियर्डेस्ट थिंग जो आपने अब तक की हो अपनी लाइफ में, बहुत अजीब सी चीज़ है। यार वैसे तो बहुत सारी हो सकती हैं जो लाइफ में की होंगी, लेकिन शरारती था आप तो। हाँ, मैं शरारती था, लेकिन एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि एक बार मैं छोटा था, मुझे बाइक चलाने का और गाड़ी चलाने का मतलब बहुत शौक था, तो अब्बू कभी भी मुझे जो है ना वो नहीं करते थे, मतलब ना कि आप बाइक सीखो या गाड़ी सीखो ना, मतलब क्योंकि ख़तरे वाली चीज़ होती है। तो मैं बाइक मैं चलाने आ गई थी, मैं खुद ही सीख गया था। अब क्या था, एक अब्बू के दोस्त ने उनकी बाइक खड़ी हुई थी 50, ठीक है, शॉप के पास, और तरावी का टाइम था, ठीक है, और मेरे पास एक चाबी थी जो उसमें लग जाती थी, सही है ना। तो मैंने क्या किया, मैं बोला यार लोग बाइक कैसे उछालते होंगे ना, तो अब वो 50 थी, उसमें क्लच तो होता नहीं था। अब मैंने एक बार किसी दोस्त से पूछा था ये 50 कैसे उछलती है, उसने बोला आप रेस पूरी दे के रखो और अचानक गियर मार दो। अब मैंने बोला ये कोई हलवा चीज़ होगी, मैंने सन्नाटा था, कोई था नहीं, मैंने बाइक स्टार्ट की, रेस दे के रखी और गियर मार दिया, तो वो बाइक कहाँ निकल गई, मैं गिरा। इसके बाद फिर मैंने जो है वो, मुझे तो जो चोटें आई वो खैर थी, लेकिन फिर मैंने बाइक को उठा के जो वहीं पे रख दिया वापस और मैं चला गया खामोशी से। मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मुझे क्या क्या चोट आई है वो, तो मतलब बैठे बैठा है ठीक है जी। अब इस सेगमेंट का नाम अगर आप क्यों है, क्योंकि इसमें जितने भी सवालात हैं जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इनकी शुरुआत होती अगर आपसे। ठीक है, तो आप चूज करेंगे पांच सवालात के, आपने जवाब देने हैं। पहला सवाल निकालें। अगर जिंदगी में सिर्फ एक ही कलर की चीजें आप ले सकते हो या पहन सकते हो तो वो कौन सा कलर होगा? ब्लैक। ब्लैक कलर। हर चीज ब्लैक। हर चीज ब्लैक, ठीक है, गुड, वेरी गुड। एक और
अगर आप किसी सब्जेक्ट को सिलेबस से निकालना चाहते हो, स्कूल कॉलेज में जो हम सब्जेक्ट पढ़ते थे वो कौन सा, अभी लिख लें आप मैथ्स और अकाउंटिंग, निकाल दें इसको, इसको निकाल दें, मेरी बहुत सप्ली आई है। अच्छा, इसमें सप्ली आती है, ठीक है। दूसरा, तीसरा, थर्ड सवाल है अगर आपका, अगर आप सुबह उठे और आपने देखा आप जुनेद अकरम है तो क्या रिएक्शन होगा? मैं ये बोलूंगा खल्ली वल्ली यार। सही है, ठीक है। चौथा सवाल, हम हर सवाल के बाद शफल भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी जिंदगी दोबारा से शुरू हो जाए तो क्या नई चीजें आप करेंगे? कोशिश करूंगा कि मतलब जिंदगी के अंदर जितने गुनाह हुए तो उनको जो है वो मतलब अच्छे तरीके से जिंदगी का दोबारा स्टार्ट किया जाए। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। लास्ट सवाल है, चुन चुन के निकालें। हाँ, अगर दुनिया में आप अकेले ही रह जाएं तो क्या करेंगे? व्लॉग बना देंगे इसके ऊपर। तो देखेगा कौन? एलियन, एलियन आके देखेंगे। ठीक है जी, अगर आप हिस्ट्री के किसी इवेंट को, मुझे इसका जवाब पता है, अगर आप हिस्ट्री के किसी इवेंट को अपनी आंखों से लाइव देखना चाहें तो क्या हो, कौन सा इवेंट हो? सल्तनत उस्मानिया। हाँ, मुझे पता था। ठीक है जी, अच्छा ये सवाल चूंकि मेरे दिमाग में भी था और बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, क्योंकि आप वो हैं जिन्हें कहा जाए गलत ना होगा कि रातों रात फेम मिली। अब ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें रातों रात फेम मिलती है और रातों रात गायब भी हो जाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल। लेकिन आपने माशाल्लाह अपने फेम को कैरी किया, ये कैसे किया, क्यों किया, जरा इसकी थोड़ी डिटेल यंगस्टर्स को दें। असल में देखें, इसके अंदर होता यह है कि अक्सर ऐसे लोगों को फेम मिलता है जिनको सोशल मीडिया का या इस फेम को कैसे इस्तेमाल करना है इसको, इसका आइडिया नहीं होता खास, नहीं होता। तो वो इसको जो है वो अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाते, तो वो फिर फॉर द टाइम बीइंग होता है, इसके बाद फिर वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाता है। मैं क्योंकि सोशल मीडिया का शौक मुझे पहले से था और मैं इससे कुछ टाइम पहले से ही सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोज़ वो मैंने बनाना ऑलरेडी स्टार्ट की थी, तो अल्लाह ताला ने मौका दिया और इससे मुझे जो है वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं उसी अपनी एक्टिविटीज़ जो मैं करता रहता था सोशल मीडिया पर उसको मैं कंटिन्यू कर गया, तो अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको लेके साथ चल रहा हूँ। उससे पहले आप वो करते थे सोशल वर्क यानी फेमस होने के बाद? नहीं, फेमस होने से पहले से ही मैंने जो है वो मैंने आपको बताया ना, मैंने स्टार्ट किया था और सरप्राइज गिफ्ट कोई कैंपेन थी, बिल्कुल सरप्राइज गिफ्ट वाला सिलसिला और वो अभी भी चल रहा है, बल्कि आप तो सरप्राइज गिफ्ट तो एक तरफ रहेगी, आप तो और तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े काम करने का मौका मिलता है। सरप्राइज गिफ्ट में होता क्या वैसे? सरप्राइज गिफ्ट में ये होता है कि मैं अपने फ्री टाइम के अंदर जो है वो बाहर निकल जाता हूँ, सही बाहर निकलता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, मैं देखता हूँ कि कोई मुझे बड़ी एज का बंदा जो बाजार मुझे देख के ऐसा लगे कि वो कुछ काम कर रहा है, मतलब कोई चीज बेच रहा है कुछ, लेकिन उसकी अर्निंग इतनी नहीं होती होगी, ठीक है, तो मैं उसके पास जाता हूँ और उससे जो है वो थोड़ी बातचीत करके फिर उसको मैं 5000 रुपीस जो है वो एज ए गिफ्ट जो है वो प्रेजेंट करता हूँ। तो ये चीज है, उसके अंदर कुछ लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, वो उनकी तरफ से ही वो गिफ्ट होता है और मैं जो है वो ये काम करता हूँ। ये जबरदस्त के भाई सोशल वर्क करना चाहिए और अपने जो फेमस फेम जो आपको मिलता है दूसरों को फायदा होना चाहिए ना, अगर आपको ही फायदा होगा तो फिर क्या फायदा। अच्छा, अब हमारा एक सेगमेंट होता है टैलेंट के नाम से, जो भी स्केचिंग पोएट्री जो यंगस्टर्स कर रहे हैं उनसे मंगवाते हैं और फिर उसको शो पे दिखाते हैं, तो ये खास तौर पे अर्तुरुल की फैन है तो इन्होंने स्केचेस बनाए, ये एंगेन अल्तान का है। बेहतरीन बनाया, अरीशा खान इनका नाम है, अगर आप लोग इनको फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे लिंक है। ये बुराक का, बुराक उस्मान का चीज़ का जिसने रोल किया है, और ये तुर्गुत का है, जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन, ऐसी चीजों को प्रमोट भी क्या करें। आगे जाएंगे लास्ट सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले एक स्पेशल मोमेंट है DMHM शो का। अच्छा। मैं आपको एक क्लिपिंग दिखाऊंगा और वो उसमें जो भी हो रहा है वो आपने यहाँ करके लोगों को दिखाना है, वो क्या हो रहा है पता नहीं, वो आप जरा देखें क्या है इसमें एक शख्स है, ठीक है, ये यूं करता है, ठीक है, ये करता है, ठीक है, ओके ओके गुड वेरी गुड, हाँ वापस वापस, अच्छा वो यूं करता है, ठीक है, यार क्या है, किस चीज़ डाल दिया आपने, ऐसे करता है, यूं करता है, इसके बाद यूं करता है, यूं करता है, लास्ट सेगमेंट अंदर की बात, मैं एक एक करके नाम लूंगा और आपने उनकी कोई ऐसी बात बतानी है जो लोगों को ना पता हो, तबाही मचा देनी है, ठीक है, चुन चुन के अंदर की बातें बतानी है। काशान, काशान भाई की अंदर की बात। काशान का नाम काशान नहीं है,
ठीक है, ये मुझे पता था, कैमरे पे शायद कभी आया नहीं है, तो ठीक है, बहुत अच्छे। मिश्कात, मिश्कात खान, मिश्कात, मिश्कात जो है वो मतलब स्क्रीन पे बड़ी तफरियां करता है, लेकिन असली जो उसके स्किल्स हैं ना वो एडिटिंग के ऊपर बहुत ज़बरदस्त एडिटर है। अच्छा, ठीक है। इबादुर्रहमान, इबाद जो है स्क्रीन के ऊपर फुल तफरी वाला बंदा लगता है ना, मतलब लोग लेकिन ऑफ कैमरा, ऑफ कैमरा जो है वो बड़ा मतलब सीरियस भी रहता है समटाइम्स ना, सिचुएशन के हिसाब से रहते हैं। ठीक है, गुड। फहदुर्रहमान, फहद, अच्छा फहद जो है ना दिखने में बड़ा लगता है लेकिन वो अभी बच्चा है, मैट्रिक के अंदर है वो। ओए होए, ये मुझे भी बड़ा जो है ना शॉक हो गया इससे, मुझे भी जब पता है मैं भी मैट्रिक में। हां ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आपके साथ। थैंक यू सो मच आपके ले जाते जाते ये गिफ्ट हमारी तरफ से, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी आपको देखें? हाँ, MHM शो को सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा शो है। और मैंने वरना इस तरह की जो नॉर्मली एक इंटरव्यू टाइप की वीडियोज होती हैं उसमें बंदा बोर हो जाता है, तो इसमें आज मैंने इन्जॉय किया, मतलब मुझे मज़ा आया इसके अंदर, तो जो है वो इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो आप सब्सक्राइब करें इनका चैनल और मेरा चैनल मुस्तफ़ा हनीफ के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वैसे आप भी दुआओं में याद रखें, और मैं सेल्फी लेता हूँ, शो को एंड करता हूँ, और दुआओं में याद रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।